मैं डॉक्टर के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक, मानव प्रजातियाँ, वुमेन रेसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, मानव का जन्म और विकास, मानव प्रजातियों की परिभाषाएँ, मानव प्रजातियों का उद्भव विकास, मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं, शरीर का कद, कपाल, सिर का आकार, मुखाकृति, चौथा है बालों की बनावट, त्वचा का रंग किस तरह का है, आँखों का रंग, अन्य लक्षण। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो मुख्य मुख्य वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किए हैं उनको हम बात करेंगे। प्रसिद्ध सिद्धांत जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, कटिबंधी स्तर सिद्धांत। उसके अलावा मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की बात करेंगे विश्व में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जीव जगत के इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसके विकास की एक चरम सीमा होमो सेपियन है, जिसे बुद्धिमान प्राणी या मेधावी प्राणी या मेधावी मानव कहा जा सकता है। मानव शास्त्रियों का मत था कि मानव का जन्म मध्य एशिया में हुआ, उस समय वहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा मानव के पालने के रूप में वह भूभाग समुचित था। वर्तमान में पाए जाने वाले समस्त मनुष्य उसी मेघावी मानव के वंशज हैं। प्रजाति शब्द का प्रयोग मानव एवं समाज विज्ञानियों में कबीला, वंशक्रम, संतति, नस्ल आदि के रूप में किया जाता है। वैसे रेस शब्द की उत्पत्ति इटली भाषा के रज्जा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिवार, खानदान, वंशानुक्रम या नस्ल। मानव शास्त्रियों में प्रजातियों का अर्थ वही है जो जीव विज्ञान में जीव जातियों का है। विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक तथा बौद्धिक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का रंग, बालों की आकृति, मुखाकृति, सिर का आकार, नाक, आँख, जबड़े आदि की जो बनावट है उस वो मुख्य आधार है, जिनके आधार पर मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रजातियों की पहचान में स्थायी लक्षण वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, अतः समान आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर विश्व की समस्त मानव प्रजातियों की पहचान स्थापित होती है। यूँ तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्टता अलग से रखता है, किंतु व्यापक स्तर पर बहुत सी समानताएं हैं जो प्रजाति समूह को अपनी अलग पहचान प्रदान करती हैं। फिर देश, काल व पर्यावरण संबंधी परिवर्तन, प्रवास, सामाजिक सांस्कृतिक मिश्रण प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में परिवर्तन करते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों बाद देखा जाता है। जीवों के वर्गीकरण में मानव पर पृथ्वी पर मानव की प्रजातियां हैं जो बौद्धिक स्तर पर जैविक के विकास के क्रम में सर्वोपरि हैं। इन प्रजातियों को समान लक्षणों वाले अनेक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव का जन्म और विकास, पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस विषय में अनेक मानव शास्त्रियों की अलग अलग मत हैं। जीवाश्मों तथा मानव अवशेषों के प्राप्त मानव शास्त्रियों ने महत्वपूर्ण अनुमान लगाए। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 130 लाख वर्ष पूर्व मायोसिन युग के अंत से लेकर प्लायोसिन युग के प्रारंभ में मनुष्य का जन्म हो चुका था। यह नर मानव जैसा था या अर्धमानव था, उसे इस रूप में आते आते भी लाखों वर्ष लग गए। डार्विन ने जिस मानव की परिकल्पना की, उसका जन्म भी अब से 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान मानव का यह रूप लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ।
जो मध्य एशिया व कैस्पियन सागर के आसपास था। यह मानव पूरी तरह खड़ा होकर चल सकता था। इसी को होमोसेपियन कहा जाने लगा, आदि मानव। वर्तमान काल के सभी मानव इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कालांतर में प्रवास के कारण वर्तमान मानव अनेक सुदूर पूर्व क्षेत्रों में बिखर गए तथा दीर्घकाल में विभिन्न पर्यावरणों में रहने के कारण उनकी शारीरिक विशेषताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। इस प्रकार वर्तमान मानव की विभिन्न प्रजातियां बनी। इनके अलग अलग अपने अपने आनुवंशिक लक्षण हैं। इन प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। मानव प्रजातियां पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे जाति स्पीशीज कहा जाता है। इस जैविक वर्गीकरण में मानव भी एक विशिष्ट जाति है, जो अपनी बुद्धि के कारण समस्त जीवों में सर्वोपरि है। सारे संसार के मनुष्य भी एक समान नहीं है, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो मानव जाति के उपवर्ग सब डिवीजन है। इन उपवर्गों को ही प्रजाति कहा जाता है। इन उपवर्गों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं, जो अन्य मानव समूहों से अलग होते हैं। इन्हीं अलग अलग मानव समूहों को मानव प्रजातियां कहा जाता है। इनके शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का रंग, मुख की आकृति, सिर की बनावट, नाक आँख की बनावट, बालों की बनावट आदि प्रमुख है। ये विभिन्न प्रजातियों की पहचान के स्थायी लक्षण हैं, जो वंश क्रम से आगामी पीढ़ियों में आते जाते हैं। अतः समान आनुवंशिक विशिष्टताओं के आधार पर ही विभिन्न मानव प्रजातियों या जातियों की पहचान बनी है। इस संसार में यद्यपि प्रत्येक मनुष्य अपनी विशिष्ट व अद्भुत है, अन्य व्यक्तियों से भिन्नता भी रखता है, फिर भी उस मानव में बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो उसे एक समूह में सम्मिलित करती हैं। यह समान लक्षणों वाला मानव समूह ही मानव प्रजाति है। मानव प्रजातियों की परिभाषाएं। सर्वप्रथम सर 1570 में फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मोर्टर्स में रेस शब्द का प्रयोग किया, जिसका हिमान हिंदी रूपांतरण प्रजाति है। आंग्ल भाषा में भी यह शब्द संभवतः इतावली भाषा के रज्जा शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है परिवार, वंश, नस्ल, जो शारीरिक और वंशानुक्रम लक्षणों में समानता रखने वाला होता है। मानव प्रजाति एक जैविक विचार है, जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के वंश अथवा नस्ल से है। प्रजाति की परिभाषा बहुत विद्वानों ने की है। इस संबंध में कुछ विद्वानों के विचार निम्न प्रकार हैं। वाइडिल अब्लास ने लिखा है, प्रजाति का तात्पर्य उस का एक वर्गीकरण से है जो मानव शरीर की बनावट व शारीरिक लक्षणों पर आधारित है। ब्रोकर के अनुसार प्रजाति एक प्रतिष्ठित जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जनन के लक्षण या उपजाति द्वारा संगठित एक स्वरूप समूह है। यह मानव मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ग्रिफिथ एलन ने भी अपनी परिभाषा में लिखा है, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि नस्ल को। इसी तरह हेडन ने भी प्रजाति शब्द का एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है, जिसकी सामान्य विशेषताएं परस्पर समरूपता प्रदर्शित करती हैं। ये एक जैविक नस्ल है, जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के लक्षणों के योग से भिन्न है। वीजर ने भी प्रजाति मनुष्य का एक उपविभाग है, जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की पैतृक देन रही है। इसी तरह से अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि प्रजाति की अवधारणा प्राणी शास्त्रीय है, जिसका राष्ट्र, भाषा, धर्म आदि से कोई
लेना देना नहीं है। सभी प्रजातियों की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। प्रजातियों के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। प्रजातियों के आधार के रूप में माने जाने वाले लक्षण एक विस्तृत मानव समूह में एक समान विद्वान होते हैं। विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक जैसी हैं। उनमें भारी परिवर्तन जैसे नाक, कान, आँख, कलर, मुखाकृति आदि जो हैं वो जलवायु के परिवर्तन के आधार पर उनमें अंतर आ जाता है।